भैन जी सरपंच नहीं गए तो वह पति जाता है वो धोखा करता ये धोखा है एक गबराह करता झूठ बोलता जोड़ा बंदा इदा करूगा तो खिलाफ सख्त कार्रवाई करा क्यों क्यों गया जो कि हक से वो पत्नी जाए सरपंच मते दे सैन वो उड़े रिजर्वेशन 50% रिजर्वेशन जी है वो लेडीज़ को महिलावान दी गई है तो महिलावान इस करके दी गई है कि वो घरों बाहर निकल के थोड़ा जागरूक हो आम आदमी पार्टी सब तो पहला ये सारिया चीज़ा लागू अपनी पार्टी के वर्करों पर क्यों नहीं करती एक एग्जाम्पल है बहुत वड्डी अगर ऐसी गल है तो इन्हों की वाइफ हर जगह जाके प्रचार क्यों कर रहे हैं और सब दूसरी गल इन सिस्टर और इन मदर वो क्यों प्रचार कर रहे हैं क्या वो इलेक्टेड मैंबर्स ने क्या पंजाब ने लोगों ने उन्होंने कोई वोटा पा के जिताया जो अगे आ रहे हैं जगह जो मीटिंगों से भी हसबेंड ही बैठा होंगे फैसले भी सरपंच की जगह पर घर वाला ही कर रहा डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा मजाक है लोकतंत्र का आभास है महिला सरपंच है वो कई कल महिला नहीं होती सारा परिवार ही सरपंच बन जाता जा बंदे चल जाते या रिश्तेदार कोई बह जाए जी अं सरपंच है तो लोगों को इस चीज़ का लगना भी चाहिए कुछ जिदा लेडी सरपंच है कल लोग जागरूक हो गए लेडीज नाल भी गल कर सकते हैं पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल का एक बड़ा बयान सामने आया जिस दे विच उन्होंने कहा कि पंजाब दे विच किसी भी पंचायत की अगर महिला सरपंच कोई है तो वह परिवार का कोई भी व्यक्ति फील्ड के आगे काम नहीं कर सकता ना ही मीटिंग में बैठ सकता इस बयान तो बाद जड़ा आप पठानकोट के अलग अलग पार्टी के नुमाइंदे गलबात की है आप थोड़ा सुनाने पठानकोट के नेतावान का इस बारे की कहना है देखो मैं सुने उन्होंने बयान ठीक है बहुत चंगी सोच हैगी है वूमेन्स नू प्रायोरिटी देनी चाहिए है और जो वूमेन्स नू अगे लियान वास्ते एक नवा इनिशिएटिव है बहुत अच्छी गल हैगी है बट मैनू ये समझ नहीं आ रही हैगी कि आम आदमी पार्टी सब तो पहला ये सारिया चीज़ा लागू अपनी पार्टी के वर्करों पर क्यों नहीं करती एक एग्जाम्पल है बहुत वड्डी अगर ऐसी गल है तो इन्हों की वाइफ हर जगह जाके प्रचार क्यों कर रहे हैं और सब दूसरी गल इन सिस्टर और इन मदर वो क्यों प्रचार कर रहे हैं क्या वो इलेक्टेड मैंबर्स ने क्या पंजाब ने लोगों ने उन्होंने कोई वोटा पा के जिताया जो अगे आ रहे हैं ये भी नहीं फिर अगे आने चाहिए तो क्या जे घर परिवार चलाना चाहते हैं या उन्होंने रिबन कटाई वास्ते भेजना चाहते हैं तो सब तो पहले अपनी पार्टी जी है आम आदमी पार्टी ये सब तो पहले सारिया चीज़ा अपने वर्करों पर लागू कर अपने परिवार पर लागू कर ताकि इनिशिएटिव लिया जा सके बहुत अच्छी गल है सोच चंगी है सब तो पहले अपने घर के उत्ते लागू किया जाए और ऐसे लागू करन तो बाद कोई गल नहीं है अगर इन्हां दे परिवार हैगे ने आम आदमी पार्टी दे ते क्या बाकी सरपंच दे ते एमसी दे परिवार नहीं हैगे उन्हां दे भी परिवार वो भी परिवारां नूं अगे लिया के काम कर सकदे अगर ये नियम लागू करना सब तो पहले आम आदमी पार्टी नूं अपने परिवार ते लागू करना बनता अपने परिवार के वर्करां ते लागू करना बनता ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਮਹਿਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਮੂਮਨ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ तो महिलाओं इस करके दी गई है कि वो घरों बाहर निकल के ते थोड़ा जागरूक हो सो ठीक है बिल्कुल उन्होंने धालीवाल साहब का बयान कि जिहड़े जिन्हां दे घर वाले काम करते हैं वो ना करन और जिहड़ी महिलावां बाहर निकल के काम करदियां ने उन्हां नूं काम करन देन क्योंकि उहदे च महिलावां जदों आप फील्ड दे विच जाणगियां लेडीज़ जिहड़ियां वो एक दूजे नाल महिलावां नाल जिहड़ी गलबात कर सकदियां सो इस करके वो बिल्कुल ठीक है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए क्योंकि जिहड़ी महिला जितती है उस महिला नूं ही फील्ड च काम करना चाहिए ना कि उसके पति नूं जां बेटे नूं मिनिस्टर का बयान सामने आता है उन्होंने कहना है कि पंचायत के विच जिहड़ी सरपंच महिला होएगी उही फील्ड च जाएगा तो परिवार का कोई भी मैंबर नहीं जा सकता की विचार है तुहाडे देखिए उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिता है आई एप्रीशिएट आम तौर पर देखा जा रहा है कि सारे काम जिहड़ी मैंबर पंचायत या मैं सरपंच चुनी गई है वह हसबेंड कर रहे हैं ईवन कई जगह पर तो मीटिंगों से भी हसबेंड ही बैठा होंगे फैसले भी सरपंच की जगह पर वह घर वाला ही करता ये डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा मजाक है लोकतंत्र का आभास है ये प्रॉक्सी काम किए जा रहे प्रॉक्सी काम किए जा रहे जेडे कि गलत ने जिस व्यक्ति वोटा पा के लोगों ने चुने
ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਜੋ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪਿਓ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਫਿਰਕਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਕਸੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਈ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਬਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਡੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।